अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, आई एम द टीचर ऑफ माइदा फ्रॉम यंग स्कॉलर्स स्कूल। डियर पेरेंट्स, 1 जून से लेकर 16 जुलाई तक जो आपने रीडिंग करवानी है माई कॉन्सेप्ट की, आज उसके बारे में मैं आपको गाइडलाइन दूंगी कि आपने अपने बच्चे को कैसे रीड करवाना है। पेज नंबर 23 से रीडिंग स्टार्ट हो रही है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन कीड़े मकोड़े। थोड़ा सा अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि बेटा इंसेक्ट्स वो होते हैं जो या कीड़े मकोड़े वो होते हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। फॉर एग्जांपल, घर में जो इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटो हो गया, हनी बी होगी, बटरफ्लाई होगी, उसके बारे में आज हमने लर्न करना है। तो फर्स्ट इंसेक्ट है कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, वॉर्म, बीटल, लेडी बग, मॉस्किटो, आंट, फ्लाई, स्पाइडर, हनी बी, बटरफ्लाई, ग्रास हॉपर। नीचे एक्टिविटीज है 3। फर्स्ट एक्टिविटी है ड्रॉ एंड कलर अदर विंग ऑफ द बटरफ्लाई। एक साइड पे ऑलरेडी उन्होंने कलर किया है, दूसरे साइड पे आपने अपने बच्चे को बोलना है। सेकेंड एक्टिविटी है कलर द लेडी बग, यहां से वो देखेगा और इजीली कलर कर लेगा। ओरल क्वेश्चंस है, हाउ मैनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? 8 लेग्स। वट इज द कलर ऑफ ग्रास हॉपर? पैरट। हैव यू एवर सीन एन इंसेक्ट नेम इट? आपके बच्चे ने जो भी इंसेक्ट देखे हुए हैं उनमें से वो कोई से 2 या 3 नाम बता सकते हैं। पेज नंबर 24, 25 एंड 26 स्किप है। अब हम आ जाते हैं 27, क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन फसलें, प्लांट्स मीन पौधे। यहाँ हम फसलों और पौधों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है अनियन, पोटैटो, राइस, स्पिनच, शुगर कैन, टोमेटो, बीट, कैरेट, कैबिज, ब्रिंजल, कॉर्न, कैप्सिकम। एक्टिविटीज है सर्कल द वेजिटेबल्स डैट ग्रो अंडर द सोइल। हमने यहाँ 3 सब्जी यानी कि 3 हमें प्लांट्स दिखाए गए हैं जिसमें पूछा गया है कि जो सब्जी जमीन के अंदर उगती है उसको सर्कल करना है। यहाँ सामने नजर आ रहा है कि पोटैटो और कैरेट ये जमीन के अंदर यानी कि ये सब्जी उगती है और इनका पौधा जमीन के बाहर होता है, तो इस पर आपने सर्कल करवा लेना है। सेकेंड एक्टिविटी है सर्कल द वेजिटेबल्स डैट ग्रो आउटसाइड द सोइल। अब ऑपोजिट यहाँ पर बोला गया है कि उन सब्जियों को सर्कल करना है जो जमीन के ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ वो उगती है और उनका पौधा जमीन के अंदर होता है, जिसमें है स्पिनच और ब्रिंजल। ओरल क्वेश्चन, वट इज द कलर ऑफ टोमेटो? रेड कलर। नेम सम ग्रीन वेजिटेबल्स, स्पिनच, कैबिज, कैप्सिकम। वट इज योर फेवरेट वेजिटेबल्स? आपके बच्चे को जो भी वेजिटेबल्स या सब्जी पसंद होगी वो कोई से 2 से 3 नाम बता दो। पेज नंबर 28, फ्रूट प्लांट्स। यहां हम उन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम फ्रूट हासिल करते हैं। फर्स्ट है एप्पल ट्री, बनाना ट्री, ऑरेंज ट्री, लेमन ट्री, ग्रेप वाइन, मेलन वाइन, वाटर मेलन वाइन, स्ट्रॉबेरी, पीच ट्री, मैंगो ट्री, पोमीग्रेनेट ट्री, पाइनएप्पल प्लांट। एक्टिविटी है मैच द फ्रूट विद इट्स ट्री। एक साइड पे फ्रूट्स दिए गए हैं और दूसरे साइड पे उनके नेम हैं, तो हमने फ्रूट्स को उनके करेक्ट नेम के साथ यहाँ पे करना है मैच। अब चूंकि फर्स्ट पे है बनाना, तो आपका बच्चा तीनों में से देखेगा कि बनाने का कौन सा ट्री है, ये थर्ड पे, तो इसको उसने मैच कर दिया। इसी तरह इजीली वो मेलन को भी कर लेगा और पोमीग्रेनेट को भी। सेकंड एक्टिविटी है ड्रॉ ग्रेप्स ऑन ग्रेप वाइन एंड कलर द पिक्चर। ये ग्रेप वाइन है यानी कि ग्रेप्स जिस ग्रेप वाइन पे लगते हैं उसको उसने कलर करना है। ओरल क्वेश्चन, वट इज योर फेवरेट फ्रूट? इनमें से जो भी आपके बच्चे को फेवरेट फ्रूट होगा वो कोई से 2 से 3 नाम ले लें। विच फ्रूट इज द बिगेस्ट? वाटर मेलन वाइन। What is the color of strawberry? Red. Next page is 29, parts of a plant. इसमें हम पौधे के जो हिस्से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। First है leaves, flowers, fruit, stem, roots, soil, seeds, thorn, vine, grass, shrubs, branches. Activities है which part of the plant makes food circle it? पूछा गया है कि आप उस प्लांट को सर्कल करें जिसे हम खुराक हासिल करते हैं, फ्लावर्स।
कलर द प्लांट, प्लांट को कलर करना है. ओरल क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, लीव्स. व्हाट इज द कलर ऑफ सोइल, ब्राउन. व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, थॉर्न. पेज नंबर 30, 31, 32, 33 स्किप है. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 34 में हम फ्रूट पढ़ेंगे, लेकिन सीजन में जो फ्रूट हमें मैसर आते हैं या सीजन के तौर पर जो उगाए जाते हैं उन फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे. स्प्रिंग में जो हमें यानी कि मैसर होते हैं या उगाए जाते हैं फ्रूट, उनमें से है स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मेलन. समर फ्रूट्स नेम है मैंगो, वाटरमेलन, एप्रिकॉट. ऑटमन फ्रूट नेम है पियर, पोमीग्रेनेट, ग्रेप्स. विंटर फ्रूट नेम है ऑरेंज, गावा, किन्नू. एक्टिविटीज़ है इट्स विंटर सीजन, ड्रॉ विंटर फ्रूट ऑन द ट्री. कहा गया है कि विंटर सीजन है तो आप इस ट्री पे कोई सा भी विंटर फ्रूट ड्रा कर लें जो भी आपके बेटे बच्चे को ईजीली लगे, ऑरेंज, गावा, किन्नू, इनमें से कोई भी एक. कलर द वाटरमेलन. इन विच सीजन मैंगो ग्रोस, मैंगो किस मौसम में पाया जाता है, समर सीजन. विच फ्रूट ग्रो इन स्प्रिंग, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, मेलन. इन विच सीजन पोमीग्रेनेट ग्रोस, ऑटमन सीजन. नेक्स्ट पेज 35, वेजिटेबल्स. अब हम सब्जियों के बारे में सीजन में पढ़ेंगे कि किस सीजन में कौन सी सब्जियां पाई जाती हैं. स्प्रिंग सीजन में है टर्निप, ब्रिंजल, स्पिनच. समर सीजन में बॉटल गॉर्ड, रिच गॉर्ड, बिटर गॉर्ड. एटमन सीजन में है बीट, कॉलीफ्लावर, कोकम्बर. विंटर सीजन में पाई जाती है कैरेट, पीस, रेडिश. आपके बच्चे की बुक में एक मिस्टेक है कि पी लिखा है, पी ई ए, तो आपने लेड पेंसिल से यहाँ यानी कि लिख देना, राइट कर देना है. तो करेक्ट वर्ड है पीस. एक्टिविटीज है इन विच सीजन कॉलीफ्लावर ग्रोस. जो कॉलीफ्लावर है वो किस सीजन में पाया जाता है, एटमन सीजन. इन विच सीजन कैरेट ग्रोस, विंटर सीजन. विंटर पे टिक करवाना है. नेम सम वेजिटेबल्स डैट ग्रो इन स्प्रिंग. स्प्रिंग में कौन सी सब्जियां पाई जाती है, टर्निप, ब्रिंजल, स्पिनच. नेम द वेजिटेबल्स डैट ग्रो इन विंटर, कैरेट, पीस, रेडिश. इन विच सीजन बिटर गॉर्ड ग्रोज, समर सीजन. पेज नंबर 35 तक यानी कि माय कॉन्सेप्ट की रीडिंग कंप्लीट हो जाती है 16 जुलाई तक. थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम.